रेलवे ने अवैध अतिक्रमण हटाया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में बसी रेलवे कॉलोनी में आज रेलवे द्वारा चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान। रेलवे प्रशासन ने सालों से पहले अवैध कब्जे को लेकर रेलवे प्रशासन ने हटवाया। मुरादाबाद जनपद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में अवैध रूप से रेलवे कॉलोनी में घर का अवैध निर्माण कर लिया गया था, जिस पर आज रेलवे प्रशासन ने अपना बुलडोजर चलाया है। रेलवे कॉलोनी में अवैध मकानों को प्रशासन ने करा ध्वस्त। रेलवे विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस तरीके से जिन लोगों ने भी अवैध निर्माण कर रखे थे उनके मकानों को आज ध्वस्त कर दिया गया है। रेलवे कॉलोनी में अवैध कब्जा करा जा रहा है, जिसकी निगरानी की गई और प्रशासन ने आज कार्यवाही की है। यस मैम, इसमें डिवीजन में अतिक्रमण हटाओ अभियान चला जा रहा है, किस शिकायतों को लेकर क्या? डिवीजन में एंटी एनक्रोचमेंट अभियान चलाया जा रहा है और काफ़ी जितनी भी कॉलोनी है हमारी और रेलवे के स्ट्रक्चर प्रमाइसेस हैं उनमें जो शिकायतें मिल रही थी कि यहाँ पर अतिक्रमण किया जा रहा है या अवैध घर जो बनाए गए हैं उनको हटाने के लिए आरपीएफ और इंजीनियरिंग द्वारा विभाग द्वारा एक जॉइंट अभियान चलाया जा रहा है और ये जनवरी से अभी तक अक्टूबर तक जो है निरंतर हर महीने चलाया जा रहा है। कितनी सफलता मिली है हमें इसमें? काफ़ी सफलता मिली है दोनों ही विभागों को और 40 के करीब जो हैं अभियान अक्टूबर माह तक आयोजित किए गए हैं, जिसमें से 540 जो स्ट्रक्चर्स थे जो अवैध निर्माण थे उनको हटाया गया है। मैम, क्या कुंभ को लेके भी वहाँ पे भी कुछ एनक्रोचमेंट हटाया जा रहा है जो लोगों ने किया हुआ? कुंभ को लेके हमारी जो तैयारियाँ चल रही हैं उसके मद्देनज़र जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है उसके कोऑर्डिनेशन से लक्सर, हरिद्वार, रुड़की जितना भी अवैध निर्माण था उसको हटाया जा रहा है और आगे भी हटाने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं।